बाढ़ से मचा हाहाकार। मणिपुर में स्कूल सरकारी दफ्तर हुए बंद। असम में बाढ़ से 3 की मौत। 11 लाख लोग हुए प्रभावित है। दिल्ली राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल कर आ रही है। मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। दोस्तों देश भर के करीब सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा कर दी, जबकि स्कूल अगले 48 घंटों यानी कि आज और कल के लिए बंद कर दिए गए। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल के एक व्यक्ति का शव भी निकाला गया। इसके अलावा दोस्तों भारत म्यांमार सड़क के 3 किलोमीटर के अधिक हिस्से में बाढ़ आ गई है, जिससे 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों असम में भी 3 लोगों की बाढ़ से जान चली गई। इससे राज्य में इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य के 23 जिलों में 11.3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सोमवार तक 19 जिलों में 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई, जिसकी वजह से 30 गांवों का संपर्क कट गया। वंतली में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रिकॉर्ड 361 मिमी बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्र में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में 2 मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियों का एक हिस्सा ढह गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्डिंग में फंसे 16 लोगों को निकाला है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी चेतावनी जारी की है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बुधवार के लिए 17 राज्यों जिनके अंदर की पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम आदि शामिल है, इनमें अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल शामिल है। इसके अलावा दोस्तों असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फिलहाल राज्य के 2208 गांव पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और 42,476.18 हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है। तिनसुकिया जिले के सादकिया और डुंडकडुमा सर्किलों में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि धेमाजी जिले के जोनाई में एक व्यक्ति डूब गया। सोमवार को तिनसुकिया जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके वहां पर बारिश के कैसे हैं हालात। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।